हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूं डीएनडी फ्लाईवे पे, तो देख सकते हैं ये है टोल प्लाजा जो कि बंद कर दिया गया है। और यहां से ये निकल रही है आपकी आरआरटीएस और यहां से ये आ जाती है आपकी यमुना रिवर, उस पर बनाया जा रहा है। और ये जा रहा है इधर की साइड में, ये जा रहा है न्यू अशोक नगर की साइड में। तो दिखाते हैं आप लोगों को, देखो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आपको बता दूँ पियर तो बन चुकी है, अब इस पर पियर कैप का काम चल रहा है अभी। तो देख सकते हैं अभी पियर कैप बनाने का इस पर काम चलेगा। तो पिलर आप लोग देख सकते हैं, ये सारे बने पड़े हैं, सारे पिलर बना दिए गए हैं। अब इन पर सिर्फ पियर कैप लगाए जाने हैं। पियर कैप लगे जाने के बाद में इसको एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा लॉन्चर द्वारा गई। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये टीम लगी हुई है, ये देखिए ये टीम है यहाँ की। और ऐसे ही ये काम चलता है। फिर यहाँ पर उधर लॉन्चर लगा दिया गया, वो देखो लॉन्चर लगा हुआ है पल्ली साइड में। और वहाँ से लॉन्चर लग जाने के बाद में फिर इधर चलेगा न्यू अशोक नगर की साइड में, क्योंकि आगे भी आप लोगों को लॉन्चर देखने के लिए मिलेगा। तो ये नज़ारे हैं यहाँ के। और यहाँ पर देखो ये रिवर भी चल रही है जो कि यमुना का पानी आता है इस साइड में। तो ये देखो सारे वर्कर लगे हुए हैं और ये ज़मीन में गाड़े जाएंगे। तो बस यही काम चल रहा है अभी। तो देखो, और यहाँ से हम चलेंगे यमुना रिवर, यमुना के लिए। और यमुना पे दिखाएंगे कि किस टाइप का ब्रिज बनाया है इन्होंने। तो बस यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो चल रहा है पियर कैप बनाने का। और पियर कैप बन जाने के बाद में फिर इसमें लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाना है। तो दिखाते हैं आपको उस साइड का। तो देखो ये सारा यमुना का पानी है और अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आपको उधर का दिखाते हैं कि वहाँ पर देखो एक पिलर से दूसरे पिलर को कितना कनेक्ट कर चुका है ये लॉन्चर। तो वो आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। ये है दोस्तों, देख सकते हैं ये डीएनडी फ्लाईवे का, डीएनडी के फ्लाईओवर जो आपको बता दूँ ये आपका आता है मयूर विहार थर्ड की तरफ से ये। और यहाँ पर ये टोल प्लाजा बनाया गया था जो कि अब वो बंद कर दिया गया है। और देख सकते हैं एक पिलर ये बीच में आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और आपको इधर दिखाते हैं, ये है यमुना की साइड में गाइस। तो यमुना की साइड में देख सकते हैं क्या कितना कुछ काम हो चुका है, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर चलेंगे यमुना पर जो ब्रिज बनाया गया है वो कितना बड़ा है, वो भी आप लोगों को पता चलेगा तस्वीरों में। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लॉन्चर लगाया गया है उसने कितना कुछ काम कर दिया है गाइस। देखो यहाँ पर जो यमुना पर बनाया गया है, तो देख सकते हैं एक पिलर से दो पिलर इसने ये कनेक्ट कर चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये तो बस क्रेन मशीन द्वारा लगाए जा रहे हैं, अभी लॉन्चर यहाँ पर नहीं लगाया गया है। ये देखो, तो यहाँ पर ये पियर बन चुके हैं और पियर कैप का काम चल रहा है। वो देखो पियर कैप लगाए जा रहे हैं और उसके उस साइड में है यमुना रिवर जो कि ब्रिज बनाया जा रहा है यमुना रिवर पर आरआरटीएस का, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर गई। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रेन मशीन द्वारा यहाँ पर एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कोई लॉन्चर नहीं लगाया गया है, तो एक पिलर से दूसरे पिलर को यहाँ कनेक्ट कर दिया है इस मशीन से। ये देख सकते हैं तस्वीरें, नज़ारे यहाँ के देख सकते हैं कुछ ऐसे हैं, ये देख सकते हैं। तो अभी इसमें टाइम लग जाएगा काफ़ी, ये देख सकते हैं। तो इसको सन 2025 तक अभी तैयार करना है। और यमुना रिवर पर कोई अभी ब्रिज नहीं बना है, तो अभी बस पाइलिंग का ही काम चल रहा है वहाँ पर पिलर बनाने का। तो पिलर बन जाएंगे तब आप लोगों को और अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं वो जो मशीनें लगी हुई हैं, क्रेन मशीन लगी हुई हैं, वो यमुना रिवर पर ही हैं। देखो आप लोग तस्वीरें, तो यही वर्क चल रहा है अभी और बाकी ही जल्दी ये कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही है, आप चलते हैं डीएनडी फ्लाईवे पे और फिर आपको दिखाएंगे यमुना रिवर का। दोस्तों अभी मैं खड़ा हुआ हूँ डीएनडी फ्लाईवे पे, देख सकते हैं तस्वीरें। और ये आ रहे हैं नोएडा की तरफ से वाहन, और ये जा रहे हैं, और ये इधर से आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से, देख सकते हैं आश्रम की साइड से आ रहे हैं और ये जा रहे हैं नोएडा के लिए। और ये है हिंडन रिवर, देख सकते हैं ये यमुना रिवर है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और ये आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको दिल्ली मेरठ आरआरटीएस जो बनाई जा रही है उसका कंस्ट्रक्शन दिखाने वाले हैं।
तो देख सकते हैं ये RRTS का ये बनाया जा रहा है ब्रिज यमुना रिवर पर, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और ये चला जाता है यहाँ से आपका न्यू अशोक नगर के लिए और आपके इसमें क्या नाम है मयूर विहार थर्ड के लिए गए, ये देख सकते हैं। तो अभी पियर कैप का काम चल रहा है और वहाँ पर आपको बता दूँ कि देख सकते हैं एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है क्रेन मशीन द्वारा, देख सकते हैं। अभी यहाँ पर ये पाइलिंग कर दी गई है नीचे ज़मीन के अंदर, ये देखिए बेल फाउंडेशन का काम हो चुका है पर यहाँ पर अब इसके अंदर पिलर बनाया जाएगा, इनके बीच में एक पिलर बनाया जाएगा। तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पर RRTS का जो ब्रिज बनाया जा रहा है उसको अभी टाइम लग जाएगा यहाँ यमुना रिवर पर गाइस, इस DND फ्लाईवे के बगल में जो बनाई जा रही है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से और गाड़ियों की रफ्तार आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा गाड़ियों की रफ्तार है गाइस, ये देख सकते हैं। तो यही नज़ारे थे और काफ़ी दिनों के बाद में मैं आया हूँ क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही काम चल रहा है, पानी यहाँ निकाल दिया गया है, बाकी ये सारा कुछ बंद कर दिया गया था, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ पर ये पानी रोक दिया गया था ताकि ये बेल फाउंडेशन का काम चल रहा था, बनाया जा रहा था बेल फाउंडेशन, फिर इसके अंदर इसको बेल फाउंडेशन बनाया जाता है, फिर इसके अंदर से कंक्रीट निकाला जाता है और कंक्रीट निकालने के बाद में ये बेल फाउंडेशन नीचे धस जाता है ज़मीन के अंदर और ऐसे ऐसे ये जोड़ते चले जाते हैं ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। तो बस यही नज़ारे हैं गाइस और आप चलते हैं हम सराय काले खां के लिए, फिर वहाँ की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। और अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, ये देखो कनेक्ट कर रहा है एक फ्लर से दूसरे फ्लर को और ये जा रहा है सराय काले खां की तरफ NCRTC द्वारा, इस कॉरिडोर पर काम चल रहा है दोस्तों। दो पिलर ये दिखाई दे रहे हैं, इन पे पियर तो बन चुका है, पियर कैप का काम होना है और ये जा रहा है आपका बारापुल्ला पे देख सकते हैं यहाँ पर भी जाम लगा हुआ है तो इधर भी पिलर बनाए जाने, एक पिलर तो यहाँ बीच में बनेगा अभी और बारापुल्ला की साइड में ये पिलर बनाए जाएंगे, इधर पिलर बनाए जाएंगे, अभी पिलर नहीं बने हैं देख सकते हैं। और ये बारापुल्ला है बहादुर सिंह बंदा मार्ग, ये ऊपर चढ़ जाएंगे और चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को कि सराय काले खां पे कितना कुछ दोस्तों देख सकते हैं। ये आ चुके हैं हम सराय काले खां जो कि निजामुद्दीन स्टेशन आ जाता है और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तेज़ी के साथ में काम चल रहा है दिल्ली मेरठ RRTS पर, देख सकते हैं जो RRTS कॉरिडोर बनाया जा रहा है और ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है, पाइलिंग भी किया जा रहा है और साथ साथ में जो पिलर आधे बन के कम्प्लीट हो गए हैं उन पर देख सकते हैं एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ा जा रहा है, ये देख सकते हैं किस तरीके से ये पिलर जोड़े जा रहे हैं गाइस, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये पिलर जोड़े जा रहे हैं। तो यही काम चल रहा है अभी जोड़ने का इस सराय काले खां RRTS स्टेशन पर और बहुत ही सुंदर स्टेशन बनाया जाना है, ये देख सकते हैं पियर कैप का काम चल रहा है अभी यहाँ पर दोनों साइड में, ये देख सकते हैं ये पियर किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, ये सारे बनके आधे कंप्लीट हो गए हैं और ये बनाया जाएगा 4-5 फ्लोर का इस पर बनाया जाना है। तो देख सकते हैं अभी एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का जो वर्क चल रहा है वो चल रहा है और सेटरिंग लगी हुई है और सेटरिंग इसी वजह से लगा दी गई है कि यहाँ पर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का काम चल रहा है गाइस, देख सकते हैं कि कुछ पिलर जोड़ दिए गए हैं, कुछ जोड़े जा रहे हैं, कुछ इनके ऊपर वर्क किया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग ये काम चल रहा है यहाँ पर अभी, उतर जाएं दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, मैं अभी इस वक्त खड़ा हुआ हूँ सराय काले खां
RRTS के स्टेशन पर देख सकते हैं, ये दिल्ली की तरफ से वाहन आ रहे हैं और अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ने का वर्क चल रहा है। ये देखिए पाइलिंग मशीन लगी हुई है जो कि पाइल कर रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है बेस्ट ऑफ बंडर पार्क जो वहाँ पर वो चमक रहा है, देख सकते हैं यही काम चल रहा है अभी। ये यहाँ पर पिलर भरने का काम चल रहा है और इनकी जो रिंग है वो लगा दिए गए हैं और इनकी सेटरिंग भी लगा दी गई है जो पिलर भरे जा रहे हैं। और इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है तराई काले खां पर RRTS का गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग अपनी आँखों से। तो यही वर्क चल रहा है अभी, कहीं पर पाइलिंग हो रही है, कहीं ये पिलर भरे जा रहे हैं, कंक्रीटिंग की जा रही है और कहीं ये एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़े जा रहे हैं गाइस। आखिर आपको वहाँ तक देखने के लिए मिलेगा तस्वीरों में, ये देख सकते हैं ये जोड़ने का काम चल रहा है यहाँ पर। तो आज की तस्वीरें यही हैं तराई काले खां स्टेशन RRTS के स्टेशन पर जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है और यहीं से निजामुद्दीन स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है गाइस और अब ये बना दिया जाएगा RRTS का भी स्टेशन और यहाँ से तीन लाइन जोड़ी जाएंगी, एक तो पानीपत RRTS और पलवल RRTS और एक जाएगी जो दिल्ली टू अलवर RRTS बनाई जा रही, वो यहीं से लिंक की जाएगी और ये आपका जाएगा गुरुग्राम होते हुए गाइस। तो चलिए आज का यही ब्लॉग है तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।